प्रदेश के अंदर 47.6% मत इंडिया गठबंधन ने हासिल किया है। पलवल के ब्राह्मण धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की, जहां उनका कांग्रेसी नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा जुमलेबाजों की सरकार है, जो कि जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आई है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में पूर्व मंत्री एवं जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे चौधरी हर्ष कुमार सहित बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, जिन्हें पार्टी का पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया गया। बता दें, सम्मेलन में उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवान, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, कांग्रेस नेता चौधरी इजराइल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। 9.5 साल से सरकार चल रही है, ये इससे कोई एक वर्ग भी संतुष्ट नहीं। कोई काम इनके कोई अच्छा कार्य किए थे तो मैं जरूर इनकी प्रशंसा करता, कोई इनके खाते में कोई उपलब्धि नहीं। जैसा अदर जी ने बताया, एक पोल मेट्रो का नहीं बनाया 9.5 साल में, 1 इंच रेलवे लाइन नींव बनाने का काम किया और 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, 1 बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, 1 बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, 1 भी नहीं बनाया। हमने सब जगह ही किया। आपका मेरे को याद है, जब मेरे दलाल साहब ने यहां मेरे को बुलाया था, इन्होंने पहली बात ये कही थी कि पलवल को जिला बनाओ, और वहीं हमने कह दिया था, दलाल साहब ने कहा तो ये जिला बनेगा। फिर जिला बन गया तो कहने के सबसे खूबसूरत ये जिले का सेक्रेटरी होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। इसमें भी कोई डर आए नहीं, सारे हरियाणा में घूमो, जितने नए जिले बने सबसे बढ़िया सेक्रेटरी आप कह रहा था। तो ये राव साहब ने कहा, चौधरी विद्यमान जी मेरे बहुत करीबी साथी रहे, जब मैं अध्यक्ष था तो ये जिले के अध्यक्ष थे, आज मैं सीएलपी का नेता हूं तो ये प्रधान पूरे प्रदेश के, तो ये साथी हमारे इतने मजबूत हैं। इसराइल के पिताजी जलेब खान साहब, हर्ष कुमार जी, उनका पूरा सहयोग रहा, तो पलवल जिले का पूरा सहयोग मेरे को मिलता रहा, और उस सहयोग की वजह से मौका मिला पूरी प्रदेश की सेवा की। वहीं कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ने भी अपने संबोधन में बीजेपी पार्टी पर जमकर हमला बोला और क्या कहा, देखिए आप भी। कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया लोकसभा के चुनाव में, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 47.6% मत इंडिया गठबंधन ने हासिल किया है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक मत प्रतिशत हरियाणा ने प्राप्त किया है। और साथ ही हम जहां 5 लोकसभा सीटों पर हमने जीत दर्ज की, 3 लोकसभा पर हम कम अंतर से हारे हैं, वहां खुशी की बात यह है कि हमने 90 के 90 विधानसभाओं में जीत दर्ज की है। कांग्रेस के मत प्रतिशत में 19.5% की बढ़ोतरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में 11.5% की कमी आई है। यह इस बात का संकेत है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और इस भारतीय जनता पार्टी जिसने इस देश को, प्रदेश को जाति धर्म और मजहब के नाम से जो एक नफरत की दीवार खड़ी करने का काम किया, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत करने जा रही है, उसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।